डिफरेंट है यहाँ पे, जो हम जो भी होटल में जाएंगे सेम मेन्यू रहता है। बट और आज तक बहुत सारी होटलों में जैतून का इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे कि घी का इस्तेमाल नहीं हुआ और अच्छे तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ। जब आप बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक है तो दिस इज डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम अदर रेस्टोरेंट इज व्हाट आई कुड टेल। बेहतर से बेहतर इसकी क्वालिटी वेल मेंटेन करेंगे और हेल्थी रहेगा। अब्दुल्ला ये नई खुली है होटल, हमारे दोस्त की है, माशाल्लाह इसके जायके जो है तमाम MM रोड और फिजरो टाउन के जायके सब अच्छे हैं, मगर ये कम्प्लीट अलग जायका है। बहुत मुख्तलिफ आइटम डाले हुए हैं हमारे भाई, और माशाल्लाह से बोलूँ कि बच्चों के लिए पिज़्ज़ा हो गया या तो फ्राई आइटम्स हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सी फूड हो गया बिरयानी में, और तमाम चीज़ों के अंदर जो मसले रखे हुए हैं बड़े बेहतर है, क्योंकि लोग जब तक आएंगे नहीं खाएंगे नहीं लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या है बोलकर। जी खसूसियात जो है यहाँ पर हर चीज़ की लज्जत दी गई है और लज्जत को बेहतर से बेहतर की जा रही है, और जो यहाँ पर वो मसाले जो इस्तेमाल किए गए हैं ये लोगों के लिए हानिकारक नहीं है। और एक दूसरी बात इसके अंदर है, इसके अंदर ऑयल कंसर्न नहीं है, ऑयल कंसर्न नहीं है। हाँ जैतून है, घी है, मस्का है, प्योर घी, प्योर घी जैतून, ऑयल का इसके अंदर कंसर्न नहीं। जी भाई, जायके के साथ साथ जो है सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। सबसे बढ़कर जो हमारे भाई की सोच है कि लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सेहतमंद खाना दे सकूं, ये चीज की फिक्र हमारे भाई कर रहे हैं। और आज तक बहुत सारी होटलों में जैतून का इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे कि घी का इस्तेमाल नहीं हुआ और अच्छे तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आज होटल एम्पीरियम की लॉन्च है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिजरो टाउन के अंदर पहली मरतबा दी बेस्ट क्वालिटी लॉन्च कर को ही अल्हम्दुलिल्लाह। जैतून और घी और मस्के में सब लोगों को तो पता है आज तेल कैसे कैसे रकम के आ रहे हैं, उस चीज़ से हम लोग हट के एक बेहतरीन चीज़ बना के हैं। इंशाल्लाह सबसे उम्मीद है सारे फिजरो टाउन सारे बेंगलुरु वालों को एक अच्छा अच्छा टेस्ट और हेल्थी फूड, और कोशिश करें हम पूरा नेचुरल इंशाल्लाह नेचुरल देने के लिए और नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बेहतर और हेल्थी फूड दे रहे हैं हम लोग, और क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह और प्राइस भी अल्हम्दुलिल्लाह, और सेहत भी बेस्ट रहेगी और सुकून रहेगा। ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं कर रहे हैं, पहली मरतबा लॉन्च किए हैं हम। हमारा प्लानिंग है हम लोग का 25 से 30 स्टोर लॉन्च करने का है एम्पीरियम का। एम्पीरियम के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इंडिया चाय है, आइसक्रीम का है, पिज़्ज़ा है, वैसा मंदी का है और बिरयानी का है, बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। और ये ब्रांडिंग भी हम लोग बहुत फ्रेंचाइजी का भी देने का हमारा इरादा है, और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हम लोग फ्रेंचाइजी भी देंगे इसकी, इसकी बेहतर से बेहतर इसकी क्वालिटी वेल मेंटेन करेंगे और हेल्थी रहेगा। और इंशाल्लाह जो हम लोग खाने के बारे में जो सोच के जो लॉन्च किए हैं आज, और बेहतर चीज़ और सबसे हेल्थी चीज़ लेकर आना चाह रहे हैं, तो ये हमारे दोस्तों का भी इरादा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेंगलुरु के अंदर अच्छा खाना, अच्छी ताकत, तंदुरुस्ती के साथ चीज़ें देना और क्वालिटी वेल मेंटेन करना, सब दोस्तों की सपोर्ट के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे साथियों के वजह से मिलके इंशाल्लाह ये ब्रांड लॉन्च हुई है एम्पीरियम के नाम से। जितने भी ब्रांड हैं इसके अंदर एम्पीरियम के अंदर इतने भी ब्रांड है, 7-8 ब्रांड है, और बेहतर होंगे और इंशाल्लाह और क्वालिटी प्योर मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह। आओ खाओ और आइए खाइए और बोलिए, इंशाल्लाह आपकी खिदमत करने के लिए हम लोग रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों की हम लोग खिदमत करने के लिए आपके साथ रेडी, खिदमत का मौका दीजिए, रेडी खड़े हैं आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हमें तभी हुआ जब हम लास्ट टाइम आए थे, अ वीक बिफोर, हमको इधर फोटोज पकड़ाने थे, एंड दिस पीपल वर सो हम्बल दैट दे अलाउड अस टू क्लिक फोटोज देयर, सो वी लाइक दैट हॉस्पिटैलिटी, एंड देन वी डिसाइडेड टू कम हियर। सो कमिंग टू एम्बियंस एंड ऑल, आई रियली लव द एम्बियंस हियर, सो माय फादर सजेस्टेड वी शुड कम हियर एंड वी केम एंड वी रियली लाइक द एम्बियंस, सो दिस वुड बी द फीडबैक फ्रॉम माय एंड। डिफरेंट है यहाँ पे, जब हम जो भी होटल में जाएंगे सेम मेन्यू रहता है, बट जब आप बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक है तो दिस इज डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम अदर रेस्टोरेंट इज व्हाट आई कुड टेल। ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಂಪೋರಿಯಂ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಜಾ ಟೌನ್ ಮಸ್ಜಿದಿ ಹತ್ರ ಸವೇರ ಹೋಟಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊಸ ಐಟಂ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಆತರ ಯಾವುದು ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಜೈತೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಜೈತ್ ಜೈತೂನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಏನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಟಂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತು ये हमारे असलम भी ये प्रिय होटल एम्पेरियम के ओनर हैं इन्होंने स्टार्ट करे इंडिया चाय से स्टार्ट करे स्टार्ट करने के बाद इनको होटल लाइन में क्या भी तजुर्बा नहीं था बाद में तजुर्बा करने के वास्ते चार साल पाँच साल खाली हर होटल में बॉम्बे में दिल्ली में और कर्नाटका में जितने भी होटल्स हैं पूरा जागो सर्वे करे सर्वे करे तो क्या है हर आदमी आपको पाम ऑयल ये पीनट्स ऑयल और जो भी ऑयल के चीज़ें हैं उसमें बना रही हाइजीनिक नहीं है और हेल्थ को बहुत इफेक्ट हो रहा है क्या उसमें पेट आ जाना खट्टे डगारा ये वो सब रहा इन्होंने क्या करे खाली प्योर घी और मस्का और जैतून अब ऑलिव ऑयल में पूरा है ना पकवाना पका रही सो समथिंग डिफरेंट प्रोजोटोन में ऐसा आइटम समथिंग डिफरेंट हटको है सो इधर प्राइस भी रिजनेबल है और देखो क्वालिटी है क्वालिटी एकदम हाइजेनिक यह है सर जो मसाले जो डाल रहे हैं जो ये कर रहे हैं समथिंग डिफरेंट हटको है सर।